नमस्कार, मैं सुष्मिता, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर। दीजिए, धर्मेंद्र कुमार सिंह और कुटियापुरपुर का निवासी हूं। एक समाज और सारे सड़कें जो है गड्ढा मुक्त हो जाएंगे। अभी क्या ऐसा लगता है कि गड्ढा मुक्त हो पाया है? देखिए, योगी जी को आए तो करीब 6 साल हो गया। जब पहली बार आए थे, सरकार इनकी बनी थी, तो हम लोग बड़ी उम्मीद किए थे और पूरी जनता, पूरी इधर जिला ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता ने उम्मीद किया था कि योगी जी जिस हिसाब से अपने बयानों को दे रहे हैं, चाहे संकल्प को ले रहे हैं कि 15 जून तक हम गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन 6 साल होने के बाद भी आप आए होंगे, देख लीजिए, अभी कोई भी सड़क ठीक नहीं है। मुख्य मार्ग तो कुछ ठीक बने हैं, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे भी सड़कें हैं जिन पर काम ही नहीं हुआ है। 10 साल 15 साल पहले तक काम नहीं हुआ है। अभी उसमें मुख्य मार्ग आप देख लीजिए, कुर्थी जाफरपुर हम लोगों का ये न्याय पंचायत बना, नगर पंचायत बना है। इसमें कुर्थी जाफरपुर को आप जिले मुख्यालय से जोड़ने के लिए और प्रदेश मुख्यालय से जोड़ने के लिए एक मुख्य मार्ग है जो धवरिया सास से और बरलाई तक जाता है। 10 सालों में उस पर कोई काम नहीं हुआ, उस पर घुटने से नीचे नीचे तक पानी लग जाता है और इतनी बुरी हालत है कि वहाँ 2 पहिया 3 पहिया 4 पहिया वाहन हमेशा पलटने का डर रहता है, कोई उधर से आवागमन बिल्कुल बंद हो गया है। जो कि यह मार्ग लखनऊ भी अगर जाना है कुर्थी जाफरपुर के लोगों को तो इसी मार्ग से जाना है, मुख्यालय भी जाना है, जनपद मुख्यालय जाना है तो इसी मार्ग से जाना है। उसके बाद अभी आप आए होंगे तो कोटवा कोपड़ा से जो शर्मा मोड़ तक जाती है रोड, यह भी हमारा मुख्य मार्ग है कुर्थी जाफरपुर के दूसरी तरफ जोड़ने का, उसकी भी बुरी हाल है। ये नगर पंचायत जब का ऐलान हुआ, जब बना कुर्थी जाफरपुर, तो हम लोग सब लोग बड़ी उम्मीद किए कि अब नगर पंचायत बन गया, लग रहा है कि यहाँ काम होगा, विकास होगा। लेकिन नगर पंचायत भी बने हमको ऐसा कि 3 साल घोषणा होगी, 3 साल के आसपास हो गई होगी, लेकिन अभी तक इन मार्गों पर कोई काम नहीं हुआ। अभी समझ में नहीं आता कि सरकार क्या कर रही है, चाहे किस वजह से काम नहीं हो रहा है। ये पूरी क्षेत्र की जनता नहीं समझ पा रही इस बात को कि 10 वर्षों से इस पर काम क्यों नहीं हुआ आज तक। देखिए क्या बताया जाए, वही तो सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इसके पहले अभी 10 दिन पहले एक मंत्री भी आई थी, सम्मानित मंत्री हैं और ग्राम विकास मंत्री हैं और पूरे हर जगह का दौरा किए, उसके बाद किसी अधिकारी का आवागमन नहीं हुआ। भाई मंत्री आती हैं, वो बोल के भी गए कि हम इसको कराएंगे, लेकिन 10 दिन हो गए अभी तक कोई अधिकारी यहाँ सर्वे के लिए नहीं आया कि ये सड़क के क्या दशा है, इसको क्या बनाना है, कोई एक्टिविटी नहीं है। अब जनता यहाँ स्थानीय लोग अब ये मन बना रहे हैं कि भाई अब देखिए कोई सुनने वाला नहीं है, अब हम आंदोलन के मूड में हैं और सारी लोग मिल करके कुटियापुर के लोग